हेलो दोस्तों दोस्तों नाटा का जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ है उसका मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों जो पेपर हो गए उसमें जो कलर थ्योरी के क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर मैं थोड़े सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो आपको आंसर की आ गई है, बट कौन से राइट है और क्यों वो राइट नहीं है इतना मैं बताना चाहता हूँ। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, और ये वीडियो आप अगर कंप्लीट देखोगे तो जरूर आपको इसका बेनिफिट होगा। अगर नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट को आप अगर बैठे हो तो इसको इसका जरूर आपको बेनिफिट हो सकता है। तो चलो स्टार्ट कर दे वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार कलर दिए गए हैं ये 2022 का कौन सा कलर है, मतलब कि पेंटियन कलर 2022। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, आपने तो सब पढ़ लिए है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में इसमें से जो आंसर है ये है, जो ए है ये आंसर है, मतलब कि ये जो आंसर यहाँ पर दिया गया ये कलर जो दिया गया ये आंसर है। तो इसका तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि बी कौन सा है, सी क्यू है, डी क्यू है, क्योंकि ये हर साल वहाँ पर चूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर उसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हो यहाँ फिगर, ये फिगर जो देख रहे हो इस फिगर में आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एक चेयर रखी गई है, एक टेबल लैंप है, विंडो है, ये सारा आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसके ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दिए गए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक ए और बी जो है एनालॉगस है और सी ट्राइडिक ट्राइडिक। तो तीन यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से इसमें कौन सा है ये हम कैसा देखेंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मीन्स क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट कलर, तो यहाँ पर हमें अपोजिट कलर नहीं दिख रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एनालॉगस, एनालॉगस मीन्स आजू बाजू वाले, जैसे कि आप देखेंगे येलोइश ग्रीन दिया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि येलोइश ग्रीन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में ये ग्रीन है और यहाँ पर ये ब्लू है। तो अगर आप देखेंगे येलोइश ग्रीन, ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन और ब्लू, तो ये चार कलर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो ये चार कलर मीन्स एनालॉगस कलर है। ट्राइड का मतलब है कि ट्राइंगुलर कलर स्कीम, तो यहाँ पर वो नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है उनका आंसर राइट है, जिन्होंने गलत दिया है आंसर, अगर कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ट्राइडिक दिया है तो फिर वो आपका आंसर गलत है, आपने तो आंसर की में देख ही लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर पिक्चर जो देख रहे हैं ये पिक्चर 12 कलर व्हील का यहाँ पर दिया गया है, और ये व्हील में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट गलत है तो यहाँ पर हमें देखना है। तो हम एक बार कलर व्हील देख लेते हैं, कलर व्हील अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कलर व्हील जो है ये हम स्टार्ट करेंगे ब्लू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ब्लू जो है, ब्लू के बाद जो है ये ब्लूइश वायलेट, फिर ये वायलेट, रेडिश वायलेट, फिर रेड, रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज, यहाँ पर कौन सा आना चाहिए था, रेडिश ऑरेंज के बाद येलो, फिर यहाँ पर येलोइश ग्रीन, यहाँ पर येलो, येलोइश ग्रीन, फिर ग्रीन और ये ब्लूइश ग्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो तीन कलर यहाँ रखे गए ग्रीन, येलो और डार्क, मतलब येलोइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन सॉरी, तो ये तीन जो कलर है यहाँ पर ये रॉन्ग दिए गए। ये येलो कलर यहाँ पर चाहिए था ये ग्रीन के पास, और ये ग्रीन जो है येलो की जगह चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ए जो दिया है, ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, बाकी तीन जो है ये गलत है। तो दोस्तों ये बात अगर आप अगर व्हील अच्छे से आपका लर्न है तो आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें कलर में कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं,
कलर में कौन से प्रिंसिपल्स है ये यहाँ पर बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे कि फर्स्ट प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, ट्राइडिक कलर और टेट्राडिक कलर्स, तो ये कलर प्रिंसिपल में नहीं आता है। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हैं। तो यहाँ पर ही हम देख सकते कि ये सेकंड भी जो दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है कलर व्हील दिया है, उसके बाद में कलर हार्मनी है, कलर साइकोलॉजी है और कलर कोडिंग है। तो इसमें ये कोडिंग, साइकोलॉजी, ये हमारे कलर व्हील में आते नहीं हैं। तो लास्ट जो रह गया है कॉन्ट्रास्ट, शेड, वैल्यू एंड ह्यू, तो ये हमारे प्रिंसिपल कलर प्रिंसिपल अगर देखेंगे तो जो चार नंबर का है वो कलर प्रिंसिपल में आता है और ये जो तीन है ये गलत है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो डाले कलर के ऊपर वो अगर आप देखते तो शायद आपको ये आंसर्स अच्छे से आ जाते, ठीक है। अगर जिसके गलत हो गए उनके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीन कलर मिक्स करके मोनोक्रोमेटिक जो वर्क है वो कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक वर्क किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो पहला जो है ये तीन कलर मिक्स करके मोनोक्रोमेटिक होता है, तो ये होता है या नहीं होता? तो नहीं होता, क्योंकि तीन कलर अगर मिक्स करेंगे तो चौथा कलर अलग ही कलर बनता है जिसको ग्रे कलर कहते हैं, ग्रे स्टोन बनती है। तो वन कलर, अगर एक कलर उसमें हम मिक्स करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री उसमें ऐड करते हैं तो ये भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होता। नेक्स्ट है एक कलर और टिंट एंड शेड्स, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट, ये अगर हम यूज़ करते हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक होता है। तो ह्यू कलर में कोई भी ब्लैक जो शेड्स बनती है और वाइट उसमें मिक्स करेंगे तो उसके टिंट बनते हैं, तो इसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो जो हमारा आंसर सी जो है यहाँ पर देख सकते तो ये राइट है, और ऑल कलर जो दिया है लास्ट वाला वो बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो पहले दो रॉन्ग है और लास्ट वाला रॉन्ग है। तो जो थर्ड है कि मोनोक्रोमेटिक के लिए आपको ह्यू कलर प्लस, मतलब कोई भी एक कलर और उसमें ब्लैक या तो वाइट, इसके जो टिंट एंड शेड बनते हैं उसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो, ग्रीन के कुछ टिंट और शेड्स दिखाए हैं। तो ग्रीन के अगर नीचे दिए हुआ ए बी सी डी, इसमें से कौन सा कलर वहाँ फिट होगा? तो यहाँ पर आप ऐसा ही देख सकते हैं कि ये कलर ए जो है ये बहुत लाइट है तो इसके बाद ये नहीं आ सकता। बी जो है ये लगभग ये थर्ड नंबर का जो कलर है उसके जैसा है। सी है ये इससे भी लाइट है तो ये भी नहीं आ सकता। तो पहले ए बी सी तो यहाँ कट होते, जो डी है वही यहाँ पर ये कलर यहाँ पर सूट होगा। तो अगर यहाँ डी हम सेट कर दें उस क्वेश्चन की जगह तो हमारी ये कलर स्कीम जो टिंट शेड्स जो दिखाए हैं, स्केल जो दिखाई है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक पिक्चर दिखाया गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी कलर स्कीम यहाँ पर है, कौन सी कलर स्कीम दिख रही। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आपको पहले ही बताया, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट कलर होते, एनालॉगस मीन्स उसके आजू बाजू के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है, क्योंकि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है ये आपको पता हो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड का कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। एनालॉगस हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है एनालॉगस, तो यहाँ पर आपको एनालॉगस कलर स्कीम दिख रही है क्योंकि सारे रेड से रिलेटेड सारे शेड्स ऑरेंज, ये जो कलर्स दिख रहे हैं ये रेड से रिलेटेड कलर है, रेड के आजू बाजू वाले कलर है। तो एनालॉगस कलर्स यहाँ पर आता है। ट्राइडिक मतलब कि तीन कलर यहाँ नहीं दिख रहे, और मोनोक्रोम अभी मैंने जो समझाया मोनोक्रोम कि एक ह्यू कलर में या तो कोई भी एक कलर में ब्लैक एंड वाइट अगर मिक्स करते तो वो मोनोक्रोम होता है। तो देखो दोस्तों कि तीन और चार ये ऑप्शन नहीं है और एक भी ऑप्शन नहीं, तो सेकंड वाला जो है एनालॉगस वही यहाँ पर उसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई ऐसा मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर एक रेनबो दिखाया गया है, और ये रेनबो में कौन सा कलर यूज़ नहीं होता है, मतलब कौन सा कलर नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो दोस्तों कि
फर्स्ट जो दिया है ये पर्पल, तो यहाँ पर पर्पल आपको नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, तो ये कलर आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ग्रीन भी है, यहाँ ऑरेंज भी दिख रहा है और रेड भी है, रेड स्टार्टिंग में ही है। तो पर्पल जो कलर है वो इसमें नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर जो है ये पर्पल आना चाहिए, बाकी ये सारे कलर उसमें है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और भी जो क्वेश्चंस ड्राइंग से रिलेटेड आए थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हो। तो चलो दोस्तों चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।